मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के कुछ और क्वेश्चंस। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ टिपिकल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको। उसके लिए बस आपको अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले क्या है, अ मैन इज थ्राइस ओल्ड एज हिज सन। तो पहले हमें सन की एज निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम मैन को उसका थ्राइस कर पाएंगे। तो हम करते हैं, लेट द मैंस एज, हमने मैन की एज कितनी मानी, एक्स, ठीक है, वो सॉरी हमने सन की एज मानी एक्स, फिर तभी तो हम मैन की एज थ्राइस कर पाएंगे सन की एज से। अब द मैंस एज, अब वो क्या बोल रहे हैं, मैंस एज इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन की एज कितनी मानी है, एक्स, तो मैन की एज कितनी हो गई, 3x, ठीक है। तो अब हमें सन की एज पता चल गई और मैन की एज भी पता चल गई। अब वो बोल रहे हैं, आफ्टर 12 आवर्स ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिए, आफ्टर 12th ईयर, तो 12 ईयर के बाद, मैं अभी 10 साल की हूँ, 12 साल अगर गुजर जाएंगे तो मेरे 10 साल में वो 12 साल ऐड हो जाएंगे, मैं 12 साल और आगे बढ़ जाऊंगी ना। तो अब आफ्टर 12 ईयर्स, मैं यहाँ पे लिखूंगी आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद द मैन द सन्स एज, जो बच्चे की एज थी वो कितनी हो गई बच्चों, वो हो गई, पहले वो एक्स थी, 12 साल बाद वो हो गई एक्स प्लस 12। अब जो मैन की एज थी, मैन की एज कितनी थी, 3x, 12 साल बाद वो हो गई 3x प्लस 12। अब वो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 12 ईयर्स मैन की जो एज है वो ट्वाइस हो गई सन के। तो मैंस एज क्या बोल रहे हैं, मैंस एज इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस एज हिज सन्स एज। तो मैन की एज कितनी थी, 3x प्लस 12, है ना, और बच्चे की एज कितनी थी, एक्स प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 24, ठीक है, LHS RHS में कर दीजिए कन्वर्ट, इसको मैं इधर ले आई तो 3x माइनस 2x, और इसे मैं 12 को इधर ले गई तो माइनस 12, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 12। तो प्रेजेंट एज x हमने किसकी मानी थी, सन की एज, तो सन की एज कितनी आ गई, x। अब मैन की एज कितनी मानी थी, 3x, तो हम बोलते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मानी थी, x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की एज कितनी मानी थी, 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 12, है ना, तो ये हो गया 36 ईयर्स, 36 ईयर्स, इज दैट क्लियर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, एक बैग है, एक बस्ता है जिसमें एक 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, और उन दोनों की टोटल वैल्यू है 60। उसमें जितने भी कॉइन्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू ने आप गिनेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 60। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 6 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब वो बोल रहे हैं जो 25 पैसे कॉइन्स हैं वो 6 टाइम्स हैं 50 पैसे कॉइन्स के। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। अब आप नंबर निकालिए हर टाइप ऑफ कॉइन्स का। तो हम वो बोल रहे हैं 25 पैसे कॉइन्स 6 टाइम्स हैं 50 पैसे कॉइन्स के, तो 50 पैसे कॉइन्स को पहले लेट करना पड़ेगा, तभी तो हम 25 पैसे कॉइन्स को उसके 6 टाइम्स कर पाएंगे। चलिए आंसर नंबर 18 करते हैं। लेट द 50 पैसे कॉइन्स, जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं उसको हमने मान लिया y, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं
25 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 25 पैसे कॉइन्स इज मतलब इक्वल्स टू इज 6 times 550 पैसे कॉइन्स. तो 50 पैसे कॉइन्स हमने कितने माने हैं? वाई. तो हमने 6 into y कर दिया. तो 50 पैसे कॉइन्स है हमारे पास 6y, और 50 पैसे कॉइन्स है हमारे पास, सॉरी 25 पैसे कॉइन्स है हमारे पास 6y, और 50 पैसे कॉइन्स है हमारे पास y. अब वो बोल रहे हैं इन दोनों की टोटल वैल्यू है 60. तो पहले हम इनकी वैल्यू देखते हैं. देखिए वैल्यू निकालते हैं. जो 50 पैसे कॉइन्स हैं बच्चों, जो 50 पैसे हैं उसकी वैल्यू तो y रहेगी, लेकिन जो 25 पैसे हैं वो कितने हैं? 6y, है ना. तो 6y मतलब 6 into 25 हो गया, तभी तो ये निकल के आएगा. तो ये हो गया 125. 6 into 5 कितना हो जाएगा? 5 6 30, 6 12 13 14 50, मतलब 150. यहाँ लिख लीजिए 150. ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 150y. ये 6 टाइम्स हो गया 25 के, और इसकी वैल्यू थी y की. अब वो बोल रहे हैं इन दोनों का जो टोटल है उसकी वैल्यू है 60. तो टोटल कर दीजिए, y प्लस 150y इज इक्वल्स टू 60. तो एक और चीज़ समझिए, जब हमारी 25 पैसे की वैल्यू 6y थी, तो हमने 6 into 150 कर दिया, 50 पैसे की कितनी हो जाएगी? 50y हो जाएगी. वैल्यू ही तो निकालनी है. 50 पैसे की वैल्यू 50y, और 25 पैसे की वैल्यू 6 into 25y, तो 150y. अब वो बोल रहे हैं इन दोनों का जो सम है वो क्या है? 60. ये रुपीज़ में दे रखा है. अब हम सारा पैसे में कर रहे हैं तो रुपीज़ का क्या करेंगे? तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा. तो ये हो गया 50y + 150y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 100 का. तो ये हो गया 6000, है ना. अब इन दोनों को प्लस करिए, तो ये हो गया 200y इज इक्वल्स टू 6000. y की वैल्यू कितनी आ गई? 6000 upon 200. तो 0 से 0 0 गया, ये हो गया 30. तो y की वैल्यू 30 आई है, मतलब 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे बैग में? 30. और 25 पैसे के कितने हैं? 6 into 5, मतलब 180, है ना. 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? y लेट किया था, y की वैल्यू आई 30. और 25 पैसे कॉइन्स कितने थे बच्चों? 6y. इसका मतलब 6 into y. y की वैल्यू क्या आ गई है? 30 आ गई है. तो कितना हो गया? 180 हो गया. तो इतने कॉइन्स को मिलाकर जो सम था वो कितना आ गया? 6000 आ गया, अगर हम पैसे में ले रहे हैं तो. चलिए अब आंसर नंबर 19 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं. आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद रवि विल बी थ्राइज एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ. रवि 18 साल बाद अपनी उम्र, जो अभी उसकी उम्र है, उसका थ्राइज हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा. तो अभी आपको क्या निकालना है? उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, अभी उसकी एज क्या है. तो एक तो हमने जैसे कि रवि की एज मानी एक्स, ठीक है, रवि की एज क्या मानी? एक्स. अब वो बोल रहे हैं रवि इज, क्वेश्चन के हिसाब से रवि इज थ्राइज एज ओल्ड एज ही नाउ. तो अभी तो वो एक्स का है, और वो आफ्टर 18 ईयर्स इतने का हो जाएगा. तो अब वो बोल रहे हैं उसकी प्रेजेंट एज निकालिए. तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आफ्टर 18 ईयर्स रवि की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? आफ्टर 18 ईयर्स रवीज एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 18. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों को इक्वल रखते हैं. एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू जो रवि की एज है वो 3x जो हो जाएगी तब जाके. अब एक्स, अब यहाँ पर आप 18 रख लीजिए और x को उधर ले जाइए, 3x minus x, ठीक है. तो ये हो गया 18 इज इक्वल्स टू 2x. तो 18 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, मतलब 9. तो रवि की एज कितने हो गई बच्चों? 9 ईयर्स है अभी रवि की एज, और 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी 18 साल बाद. तो 9 3 कितने होते हैं? 9 3 होते हैं 27. इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए, 20th क्वेश्चन को देखिए. 5 times द प्राइस ऑफ अ पेन इज 150 मोर देन 3 times इज प्राइस.
फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन। तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, हमने क्या करना है, हमें पहले प्राइस ऑफ द पेन देखनी है कि पेन की प्राइस हम कितनी लेट करते हैं, तभी तो हम उसका 5 times, 6 times, 11 times कर पाएंगे। चलिए आंसर नंबर 20, लेट द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स। तो वो बोल रहे हैं 5 times द प्राइस ऑफ पेन, तो 5 times प्राइस ऑफ पेन is 150 more than 3 times its price। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं प्राइस ऑफ द पेन निकाल लीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले तो आप 80 क्यों लिख दीजिएगा, तो ये हो गया 5x is equals to 150 plus 3x, 5x minus 3x is equals to 150। ठीक है, यहाँ हो गया 2x is equals to 150 और x is equals to 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो ये हो गया 75। तो प्राइस ऑफ द पेन हेंस द प्राइस ऑफ पेन इज ₹75। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स इन गिवन फिगर। तो ये फिगर दे रखा है आपको, अब आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू निकालना। तो एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल कितने दे रखे हैं, 4x डिग्री के दे रखे हैं, कितने डिग्री के, 4x डिग्री के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया पेरीमीटर जो होता है वो कैसे निकलता है, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितने एंगल्स हो गए, 3, 4x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 4 4 8 8 4 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 1s are 12 और 12 5s are 60, तो x की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट एंगल क्या था आपका, 4x मतलब 4 into 15 60 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड एंगल 4x 4 into 15 60 डिग्री। ऐसे ही आपका आ गया यहाँ पे थर्ड एंगल 4x 4 into 15 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। हेंस द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द 3 एंगल्स फॉर्म। अब इस फिगर से आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे भाई, लीनियर एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं एक लाइन पे जो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आप इन तीनों एंगल्स का सम कर देंगे, 5x प्लस 3x प्लस x, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो होता है वो कितने, किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो जैसे हमने ये वाला सम किया था वैसे हम 22 करेंगे, 180 के इक्वल रख देंगे इनके सम को, तो हमारा जो आंसर होगा x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला आ जाएगा, और x की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है, उसके लिए आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो आप उसको कैसे करेंगे, अब देखिए स्क्वायर में ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, मतलब चारों साइड एक हर साइड के इक्वल होंगी, है ना। तो मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको स्टेटमेंट नहीं बता रही हूँ, स्टेटमेंट आपको खुद करनी है। इस साइड को मैंने ab माना और इस साइड को bc हो गया, तो मैंने ab इज इक्वल्स टू bc। ab कौन सी साइड है, a प्लस 14, और bc कौन सी साइड है, 3a प्लस
3a-8, ठीक है, 3a-8। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करती हूँ। 14+8 ये इधर आ गया, 3 ऑलरेडी था ये इधर आ गया, तो ये हो गया -8। तो 14+8 कितना हो गया, 22 = 2a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 11। इस तरीके से आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका 8.3 का 23 तक हो गए। आगे देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये रेक्टेंगल दे रखा है, आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो जो ये साइड है वही ये साइड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, और जो ये साइड है वही ये वाली साइड हो जाएगी, 4a+3। पैरामीटर की वैल्यू इसमें गलत दे रखी है, आप सही कर लीजिएगा। पैरामीटर की वैल्यू है 10a+1, ठीक है। इन चारों साइड को का सम करके 10a+1 के हम इक्वल रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको क्लियर के दिखाए हैं इन क्वेश्चंस के। अच्छा, आंसर में कंफ्यूज मत हुईएगा, पीछे जो आंसर है आंसर शीट पे वो गलत दे रखे हैं। आगे 25, अब आप में को ऐसा ही इसमें करना है, तीनों साइड्स का सम करके पैरामीटर के इक्वल कर देना है। ये समझा दे रही हूँ ताकि आप 24 भी कर लें अपने आप। देखिए 25 में क्या करेंगे, आंसर नंबर 25 सम कर देंगे हम किसका, साइड्स का, जो किसके इक्वल होगा, पैरामीटर के। तो एक साइड हो गई आपकी ए बी बी सी और सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, पैरामीटर कितना दे रखा है, 4x+25। अब ए बी जो साइड है वो कितनी दे रखी है आपको, x+1। बी सी दे रखी है आपको 5x+7, और जो सी ए साइड है वो आपको दे रखी है 2x+1। इन तीनों के सम को आप 4x+25 के इक्वल रखिए, सम कर दीजिए, ब्रैकेट हटाइए, x+1+5x+7 +2x+1 इज इक्वल्स टू 4x+25। सम कीजिए, 5, 6, 7, 8, 8x+7, 8 और 9 इज इक्वल्स टू 4x+25, ठीक है। 8x में से इधर 4x को ले आइए, 25 ऑलरेडी था, 9 इधर ले आइए, तो ये हो गया 4x, और यहाँ कितना बचा, 16, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 4, 4 = 16, 4 आ गई वैल्यू एक्स की, एक्स की वैल्यू ही आपसे पूछी थी। इसी तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसे ही एक्स की वैल्यू निकालनी है, चारों साइड्स का सम करके पैरामीटर की वैल्यू मैंने आपको बताई है 10a+1। इज दैट क्लियर। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय बच्चों।